नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल, मैं हूं आपके साथ अक्षय बटन देवी। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के शहरी में मैं उपस्थित हूं, और यहां पर अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहां के जिला पार्षद लाली यादव। और देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि मौसम है सुहाना, चारों तरफ हरियाली। 15 अगस्त आ चुका है, क्योंकि यहां पर पूरे भारत में 77 यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और आप 15 अगस्त को देखिएगा कि हर भारतीयों के हाथों में तिरंगे लहरते नजर आएंगे, हर जगहों पर तिरंगे लहरते नजर आएंगे। और हमारे सैनिक जुड़ चुके हैं जो कि देश की रक्षा करते थे और अब अपने इस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए तैयार हैं, क्षेत्र की रक्षा करते हैं। चलिए मैं इनसे कुछ जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में आपका स्वागत है, और अपना परिचय दे दीजिए। आपके स्वागत के लिए जय हिंद। हम एक भारत का पूर्व सैनिक रह चुके हैं, जो कि देश का सेवा 14 साल हमने बहुत ढंग से किया, और जहां भी रहा अपने देश के वफादारी के साथ अपने कर्तव्य को निर्वाह किया। सबसे पहले कि आज हम लोग का देश की आज़ादी का 77 साल मनाने जा रहे हैं हम लोग, इसलिए सबसे पहले हम उसको धन्यवाद देना चाहते हैं जो वीर हमारे देश का, जो नौजवान गरीब और किसानों का बेटा ने जो अपने देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं और अपने सारे धरती पर अपने परिवार और बाल बच्चा के छोड़कर देश के लिए शहीद हो जाते हैं, उनको हम बार बार नमन करते हैं और उनको स्वागत करते हैं, और उनके परिवार को बहुत बड़ी से कामना ईश्वर से करते हैं कि उनके सुखी और संपन्न रखें और उनकी कोई तरह का दिक्कत ना हो। इस सरकार से भी हम नम्र निवेदन करते हैं कि उन पर गौर और विचार बार बार किया जाए। मैं आज देश की 77वां साल मनाने जा रहे हैं पूरे, मैं भारतवासियों को एकदम इसमें नमन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं कि धूमधाम से मनाया जाए, क्योंकि देश की हमारी बहुत बड़ी सबसे आज बड़ा पर्व मनाया जा रहा है, जो 15 अगस्त 1947 को मेरी देश आजाद हुआ। और इस पर आज हमारे किसान भाइयों, हमारे गरीब भाइयों, हमारे मजदूर भाइयों सबको हमने 15 अगस्त के अवसर पर शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनके नमन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। और हमने यही इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर एक मीडिया के माध्यम से हम सबसे बड़े बार बार दोबारा फिर दोहराने जा रहे हैं कि जो नौजवान साथियों हमारे देश के सुरक्षा में जुटे हुए हैं और जो देश की वफादारी में जुटे हुए हैं, अपने जान का आहुति दे रहे हैं, अपने परिवार को पीछे तरफ मुड़ के भी नहीं देखते हैं, अपने देश के लिए अपने सीने पर गोलियां खाकर देश को बचाने के लिए शहीद हो जाते हैं, उनको हम बार बार उनको परिवार को, उनको माता पिता, उनको बेटा बेटी, उनको महिलाओं, उनके घर में जो भी सदस्य हैं उनको नमन कर रहे हैं कि इस वीर पैदा करने के लिए उनको सबसे बड़ा हम बधाई दे रहे हैं। चलिए, जय हिंद जय भारत। हमारे साथ अभी जुड़े थे लाली यादव, जो कि यहाँ पर वर्तमान जिला पार्षद हैं, क्योंकि हरियाली को लाना है, फिर से गुलशन को खिलाना है, जिस मिट्टी से जन्मे हैं हम उस मिट्टी में मिल जाना है। हम लड़ेंगे तो देश के लिए लड़ेंगे, बढ़ेंगे तो देश के लिए बढ़ेंगे, क्योंकि हम भारतवासी हैं और भारतवासी कदम बढ़ाना सीखते हैं, झुकना नहीं सीखते हैं। आज तक के लिए इतना ही, फिर नए नोटिफिकेशन लेकर के मैं फिर आपके साथ हाजिर रुकूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।